हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं अभिजीत दास, मेरा यूट्यूब चैनल सीएम डिजाइन में आपको हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज जो है मेरा ये वीडियो है, इस वीडियो में हम एनएक्स कैम के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जो एनएक्स कैम है, एनएक्स मिलिंग के ऊपर हम लोग फेस मिलिंग, पॉकेटिंग और टेक्सटिंग वगैरह के लिए हम एनग्रेविंग कैसे करते हैं वो देखेंगे हम। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, कॉमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हो ये जो मेरा है फिलहाल के लिए एक वर्क पीस है, जो बाय डिफॉल्ट मेरा आता है यहाँ पे वर्क पीस है, ठीक है। इस वर्क पीस के ऊपर हम लोग फेसिंग कैसे करेंगे, ठीक है, यहाँ पे टेक्सिंग जो हो रहा है, एनग्रेविंग कैसे करेंगे, ठीक है, और इसके ऊपर हम लोग पॉकेटिंग कैसे करेंगे फोर एक्सिस में, आज उसके बारे में हम लोग डिसाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, मैं एक जैसे ही मैंने यह सलाह के आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर मेरा फेसिंग हो रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ इसकी जो पॉकेटिंग हो रहा है, कैसे वैसे में पॉकेटिंग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट मिलिंग भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप देख पा रहे हो कैसे यहाँ पे फेस मिलिंग हो रहा है, ठीक है। तो टेक्सिंग वगैरह भी आप कर सकते हो, आज मैं इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाला हूँ, कैसे वहाँ पर क्या लेना चाहिए आपको, कौन सी होना चाहिए, ठीक है ना, फोर एक्सिस कैम में कैसे होता है, ठीक है। तो वो चीज़ हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो है हम लोग फेस मिलिंग करेंगे, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले जो है मैं ये फेस दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, ये फेस दिखा रहा हूँ, ये ऊपर में है। तो ये आपको जैसे मेरे यहाँ पे देख पा रहे हो 60 फेसेस है मेरा, ठीक है। तो 60 फेसेस में मैंने किया है, तो अभी के लिए मैं आपको इस फेसेस में भी दिखा सकता हूँ, मेरा ये फेसेस में आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये फेसेस में आपको दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पर देख पा रहे हो दोस्तों, जैसे मेरा ज्योमेट्री है G54 है, मैंने इसको ले रखा हो, ये मेरा ज्योमेट्री जो है मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा हूँ, मेरा ज्योमेट्री जो है यहाँ पे है। तो मेरा प्लान जो है यहाँ पे मैंने उसको XZ में मैं फिल कर सका, और मेरा जो पार्ट है देख पा रहे हो, मैंने इसको पार्ट में मैं यहाँ इस ज्योमेट्री को मैं सिलेक्ट किया हूँ, और जो मेरा कटिंग एरिया है, जो मेरा इस एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया को आपको सिलेक्ट करना है, जो आपकी फ्लोर एरिया रहेंगे इस पर्टिकुलर एरिया को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और जो वॉल ज्योमेट्री है इसको आप मैन्युअली भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, आपको ऑब्जेक्ट को मैन्युअली भी सिलेक्ट कर सकता हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप शेक बॉडी में बॉडी को आप शेक करोगे, ठीक है। अब जहाँ टूल की बात आई, हम लोग यहाँ पे टूल जो है 40 mm डायमीटर का टूल ले रखा हो, ठीक है। ये आप देख पा रहे हो मैं ये टूल ले चुका हूँ, ठीक है। जो मेरा इंसर्ट कटा 40 mm का है, ठीक है, लोअर रेडियस जो है 0.8 का है, टेपर जो है कोई टेपर नहीं ले रखा हूँ, लेंथ 34 का है, और जो फ्लूइड लेंथ है 15 mm का है। इसमें जो है 4 फ्लूइड है, आप देख पा रहे हो इसमें 4 फ्लूइड है, ठीक है। तो ये जो मैंने इसमें जो मटेरियल यूज़ किया हूँ, मैं HSM बोल मिल में टाइटन कोटेड में यूज़ किया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीका होते हैं, आपकी सेंग वगैरह यहाँ पे आप साइज डिफाइन कर सकते हो, आपको कैसे आपको साइज़ वगैरह सही है, आप यहाँ पे आप इसको डिफाइन कर पाओगे, ठीक है। मोर में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं ट्रैकिंग वगैरह करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये आप देख पाओगे इतना मैंने यहाँ पे किया हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है इसमें, उसके बाद आता है आपको टूल एक्सिस में आपको कैसे करना है, नॉर्मल टू द फेस, जो आपकी फेस है उस पर मैं नॉर्मल किया हूँ, कुछ यहाँ पर मैंने कुछ वो नहीं रखा हो, ठीक है। और जो मिलिंग मेथड है, आपको मिलिंग फिनिशिंग रखना है, रफिंग करना है, पहले तो हम रफिंग करते हैं उसके बाद फिनिशिंग करते हैं, तो आप यहाँ पे मैन्युअली उसको एडिट भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं यहाँ पे कट जो रीजन जो है मैं इसमें वॉल ले रखा हूँ, ठीक है, और जो कट पैटर्न है मेरा प्रोफाइल है, जो मेरा प्रोफाइल रहेगा उसमें ऊपर मेरा कटिंग होगा, ठीक है। और जो स्टेप ओवर है मेरा टूल फ्लैट है यहाँ पर, और जो फ्लैट डायमीटर है 75, जो ब्लैंक है 3 mm का ले रखा हूँ मैं, या सब बिलू जो है मेरा mm में है, ठीक है दोस्तों। कटिंग पैरामीटर आप यहाँ से भी आप ले सकते हो, ठीक है, जो सही है, क्लैम कट चाहिए, ठीक है, या कॉन्वेंशनल चाहिए, आपको पता है क्लैम में क्या होता है, ठीक है, बाहर जो मटेरियल कटिंग होता है वो कटिंग के ऑपोजिट डायरेक्शन में निकल के आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर ये लोगे तो आपकी उल्टा डायरेक्शन में आएंगे, तो हम लोग यहाँ पर क्लैम ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप फीड वगैरह भी आप दे सकते हो, कितना फीड्स वगैरह लेना है, मैंने ज़्यादातर यहाँ पे जो मेरा स्पीड है 280 का ले रखा हूँ मैं SMM में, और फीड पर टूल जो है 0.1 का मैंने ले रखा हूँ, और जो मेरा स्पिंडल फैट है 2228 का मैंने स्पिंडल, और जो मेरा फीड रेट है, ठीक है, 1203 का मैंने यहाँ ले रखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर आप चाहते हो तो सेंस भी कर सकते हो, तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पर ले रखा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर ओके कर दे रहा हूँ, तो मेरा ये ओवरऑल जो है मैं आपको यहाँ पे सलाह के दिखाता हूँ, तो पे यहाँ पे मेरा ये कटिंग, ठीक है, या इस पर फेस जो फ्रंट है मैं फेस मिलिंग यहाँ पे कर दिया हूँ, ठीक है।
अगर इसकी अगर मैं यहाँ पे अगर एनालाइज करके देखो तो आप यहाँ पे एनालाइज भी कर सकते हो किस एरिया में कितना आपकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है किस एरिया में, आपकी स्ट्रेस कैसे हो रहा है, आप यहाँ पे आप देख पा रहे हो, देख पाओगे। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है इसको आने में। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बनाने के मेरा मतलब यही है कि आप इसमें हम लोग देखें यहाँ पे कहाँ पे कितना स्ट्रेस वगैरह जनरेट हो रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ रेंजेस मैंने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे देखना है तो मैं देख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे इसको चला के। ठीक है, तो मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ और आप इसमें चला के देख लो। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हो कहाँ पे कितना क्या स्ट्रेस जनरेट वगैरह होता है, आप इसमें देख पाओगे, यही चीज़ होता है इसमें देखने के लिए। बाकी इसमें अगर देखने के लिए जाओगे तो आप यहाँ पे ऑप्शन आता है शो ऑफ स्प्रिंटिंग में भी आप देख पाओगे। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें। ठीक है, तो हर चीज़ में आप यहाँ पे देख पाओगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 3D के लिए मैं कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है आपकी फेस मिलिंग के। ठीक है, ये मेरा मेटेरियल है, आप सिंपली आप देख पाओगे। ठीक है, कटिंग होने के बाद किस तरीके से आपके होंगे आप यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, चलिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आते हैं हम लोग पॉकेटिंग में आते हैं। पॉकेटिंग कैसे करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेप है हम लोग पॉकेटिंग करके दिखाएंगे। पॉकेटिंग के लिए मैं इस वाली एरिया को दिखाता हूँ। ठीक है, तो इस एरिया को मैं दिखा रहा हूँ, पर्टिकुलर एरिया को मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, ये मेरा पॉकेट है, ये मेरा फेस मिलिंग है, नीचे की तरफ भी है। ठीक है, यहाँ पे फेस मिलिंग है, उसके बाद मैं जो पहले फेसिंग किया उसके बाद पॉकेटिंग किया। तो पहले जो है मैं आपको पॉकेट कैविटी मिलिंग दिखा रहा हूँ, जो इसको बोलते हैं कैविटी मिलिंग NX में। हर एक का अलग अलग नाम होता है, मास्टर कैम को अलग नाम से जानते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पॉकेटिंग बोलते हैं इसमें मास्टर कैम में, यहाँ पे आपको बोलते हैं कैविटी मिलिंग। ठीक है, तो हम लोग इस पॉकेट को हम लोग कैविटी मिलिंग बोलते हैं। यहाँ पे देख पाओगे जो ज्योमेट्री है मेरा G64 है स्पेसिफाइड। आप यहाँ पे आप देख पाओगे ब्लैंक वगैरह सब कुछ आपको, जैसे मैंने पहले दिखाया हो इसमें आप फैक्टर वगैरह लोगे, किस डायरेक्शन में आपको टूल जाएंगे, टूल का डायरेक्शन वगैरह आप एक्सिस वगैरह आप डिफाइन करोगे। तो जैसे मैंने आपको बोला पहले हम लोग इसकी रफिंग करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले यहाँ पे रफिंग है, उसके बाद आपकी इसकी टूल जो है रफ किए हैं। ठीक है, फॉलो पार्ट करेंगे, टूल फ्लैट जो है स्केलॉप भी ले सकते हो। मैं टूल फ्लैट ले रहा था, यहाँ पे जो डायमीटर है 50 है और जो कार्ड डायमीटर है कॉन्स्टेंट रहेंगी, मैक्सिमम डिस्टेंस 3 mm ये ट्रेवल करेगा। ठीक है दोस्तों, तो सेम ही है यहाँ पे, कुछ कुछ चीज़ें जो है चेंज हुआ है। आप टूल वगैरह में वही रखा हो यहाँ पे भी। ठीक है, टूल में यहाँ पे जो है इसके हिसाब से मैं 10 mm का रखा हूँ, जो लोअर रेडियस वगैरह है। यहाँ पे टूल जो है मैं सेम टूल यूज़ किया, 1 mm बॉल 10 mm का मैंने बॉल मिल यूज़ किया है। ठीक है, स्ट्रांग वगैरह आप यहाँ पे अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से यहाँ पे मिलिंग हो रहा है। इसको मैं ओके कर दे रहा हूँ, अब देख पा रहे हो मेरा कैसे इस तरह से मिलिंग हो रहा है। दोस्तों ये जो है मेरा रफिंग हो रहा है। अब इसके ऊपर आपके पॉकेट के ऊपर जो आपके जो पॉकेट है इसके ऊपर आप प्लेनर सरफेस चलाओगे। प्लेनर सर्विस के लिए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या लेना चाहिए। जो ये चीज़ है सेम है, मैं इसकी जो आउटर बाउंड्री है, ठीक है ना, मैं पार्ट की बाउंड्री को मैं आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो बाउंड्री सिलेक्ट कर दिया है मैंने। यहाँ पे फ्लोर एरिया जो आप यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट जो अगर सर्कुलर होगा या फ्लैट होगा, तो यहाँ पे फ्लैट होगा तो आप बोलेंगे, अगर सर्कुलर होगा तो आप प्लान डिसाइड करके इसकी टेंजेंट ले सकते हो। ठीक है, टूल भी मैंने यहाँ पे 8 mm का मैंने टूल लिया हो। ठीक है, और यहाँ पे जो कॉर्नर अगर रेडियस रखते हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर में थोड़ा थोड़ा रेडियस है, आप रेडियस भी रख सकते हो। ठीक है, बाकी जो है आपकी सेम रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फीड रेट वगैरह मैं थोड़ा चेंज किया हूँ, 12:3 का मेरे कटिंग आ रहा है, डेप जो है कॉन्स्टेंट है, और जो कमेंट 3.5 की मेरा ये रहेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे फिनिशिंग देख लो, यहाँ पे मैं चारों तरफ से फिनिशिंग के लिए मैं पॉकेट प्लानर चलाया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है आपकी जो ऊपर मेरा यहाँ पे मैंने लिख कर रखा हूँ PLM NX, तो इसके ऊपर हम लोग टेक्सिंग करेंगे। टेक्सिंग के लिए दोस्तों ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना है, टेक्सिंग में सबसे पहले तो ज्योमेट्री सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो कट एरिया है, जो पर्टिकुलर एरिया है, उस सरफेस को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, और जो वॉल ज्योमेट्री है आप उस वॉल ज्योमेट्री में पूरा बॉडी को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है टूल, आपको यहाँ पे टूल में ये देखना है आप कौन सी टूल यूज़ कर रहे हो। मैं 1.5 mm की यहाँ पे टूल यूज़ कर रहा हूँ, और बाकी जो मेरा मटेरियल है वो सेम रहेंगे। ठीक है, HSM में है, 1.5 में है, बाकी आप यहाँ पे टूल नंबर रजिस्टर कस्टम रजिस्टर वगैरह आप डाल सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ ये आते हैं, जो मेरा वॉल है यहाँ पे मैंने मिलिंग फिनिश लिया हूँ, टूल एक्सिस जो है परपेंडिकुलर लूँगा मैं। ठीक है ना, जो फेस रहेगा, तो उसके बाद जो वॉल रहेंगे उसमें हम लोग कटिंग रीजन जो है वॉल देंगे, आप फ्लोर भी डाल सकते हो।
ठीक है, इसकी पेरीफेरी जो आउटर बाउंड्री होगा पेरीफेरी उसमें हम लोग चलाएंगे। आप प्रोफाइल भी ले सकते हो अगर ये इसमें टेक्सिंग वगैरह रहेंगे तो मैं यहाँ पे पेरीफेरी ले रहा हूँ जो फॉलो करेंगे जो कट पैटर्न जो है पेरीफेरी। और जो मैं स्टेप ओवर है टूल की फ्लैट ले आऊँ वो यहाँ पे डायमीटर जो है फ्लैट डायमीटर 75 mm की है और जो थिकनेस है 3 mm का है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसकी टेक्सिंग सिलेक्ट करेंगे दोस्तों। उसके बाद आप इसको सिलेक्ट करके आप देख पाओगे इस तरीके से इसकी कटिंग होगा, ठीक है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप देख पाओगे जैसे इस सरफेस में हम लोग उस तरफ जाएंगे तो ये जो आपकी शाख है तो ये आपके रोटेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 4-axis मशीन में डिजाइन होते हैं कुछ भी चीज़ आप यहाँ पे टेक्सिंग आप कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए जो ये इतना ही है, तो आप इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगर आप चाहते हो इसकी कंप्लीट वीडियो और उसकी पार्ट जो है मैं डाल दूँ तो आप कमेंट कीजिए, मैं डाल दूँगा, ठीक है। इसके ऊपर भी जो है यहाँ पे फेस मिलिंग है, इसमें भी कॉन्टूरिंग वगैरह होंगे, ठीक है। इसमें भी पॉकेटिंग वगैरह है, होल ड्रिलिंग वगैरह करना है पूरा। अगर ट्यूटोरियल चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको कमेंट में इसमें डाल दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर दोस्तों इसमें मैं आपको टूलपाथ स्टिमुलेट करके दिखाऊँ, अगर मैं दिखाऊँ आपको एक चीज रह गया था, मैं इसमें भी आपको दिखा देता हूँ। जो मेरा टेक्सिंग है इसको आप यहाँ पे जेनरेट टूलपाथ करके इसको आप देख पाओगे। अगर आप चाहो तो इसमें भी आप इस चीज़ को पर्टिकुलरली इस चीज़ को आप देख पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप स्टिमुलेट करके इसको देख लो, अगर आपको देखना है तो आप देख पाओगे इस तरीके से। लाइक इसको मैं स्पीड जो है 5 mm करके रखा हूँ, आप यहाँ पे देख पाओगे कि नहीं, थोड़ा घुमाना पड़ेगा इस चीज़ को, ठीक है। इस तरीके से आप इसको स्टिमुलेट करके देख पाओगे दोस्तों, ठीक है। तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो है प्लेट भी रोटेट होंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लेट का भी आपको देखना होता है। अगर पर्टिकुलरली किसी जैसे मान लो हम इसको देखना है, अब इसको भी आप स्टिमुलेट करके टूलपाथ को देख पाओगे लाइक इस तरीके से, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला हुआ ये आपकी 4-axis है, इसमें आप रोटेट करोगे। अगर इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाना है तो ये 5-axis में भी आएंगे, क्योंकि हम लोग का बस टेबल रखा है। ये आपकी x डिस्टेंस में ये भी रोटेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट चीज़ जो आते हैं आपकी, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था ये फ्रंट के लिए, इस फ्रंट के लिए भी आप इसको स्टिमुलेट मशीन करके देख सकते हो। अब बहुत लोग आपको पता होंगे कि आप लोग यूज़ किए हो NX CAM, तो इस तरीके से हम लोग स्टिमुलेट करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो आपकी NC प्रोग्राम निकाल के आते हैं वो आप यहाँ पे डायरेक्ट फिट कर सकते हो इसको, ठीक है। तो दोस्तों इतना ही है, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना है। और अगर इसकी फाइल को आपको सही है, इस फाइल आपको सही है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। इस फाइल को जिसको जिसको सही है मैं इसकी कंप्लीट फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, ठीक है, चलते हैं। और कोई डाउट वगैरह हो तो पूछिए, मेरा यहाँ नीचे नंबर भी है। अगर कोई आपको प्रोजेक्ट है ऐसी कंपनी में किसी काम पर फंसा हुआ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकती है। अगर मैं फ्री होऊंगा मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों।